हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं DUR वर्सेस PR के बीच में, जो कि डर्बन वर्सेस जो पर्ल करके टीम है, जो कि साउथ अफ्रीका T20 लीग में होने वाला है। आज का दूसरा मैच है। पहले मैच का मैंने ऑलरेडी वीडियो नहीं डाला है, तो इस मैच से रिलेटेड मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे लगा कि इस मैच से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही हेल्प कर सकता हूँ। आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो अगर वीडियो को पूरा देखते हो। और तो इस मैच में मैं आपको फैन फाइट की टीम देने वाला हूँ, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हो। बहुत सारी जो है ऑफ़र चल रही है यहाँ पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप साइन अप हो जाए। आपको बोनस भी बहुत अच्छा मिलेगा खेलने के लिए और बहुत अच्छा विन भी कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम मुझे टीम दे रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी कभी कहते हैं, सब लोग नहीं कहते, क्योंकि हमारा जो 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ, मेरा विनिंग दिखा देता हूँ, हालांकि कोई नहीं दिखाता, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ उसके बाद मैं बता रहा हूँ। इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं आपको टीम दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी कुछ विन हो जाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि मैं टीम देने वाला हूँ आप लोगों को। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद एक थोड़ा सा और का मेरे लिए एक हेल्प कीजिए। आप तो अपने दोस्तों का भी हेल्प कर सकते हो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो उनका भी हेल्प कर सकते हो। सिर्फ कमेंट पे आपको लिखना है आप किसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही करना है। ज़्यादा जितने बारे इस मैच के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, जो लोग टीम बनाएंगे वो हालांकि आपका कमेंट देख के एक सही कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर पाए, क्या पता वो बहुत अच्छा अमाउंट जीत पाए, क्या पता ग्रैंड लीग जीत पाए। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना आप किसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना रहे हो। और कोई अगर किसी को अगर ज़्यादा टाइम है तो वो डिटेल्स में लिख सकते हैं कि आज कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है और क्यों कर सकता है, ये ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, ताकि सब लोगों को प्लेइंग 11 एटलीस्ट तो मिल जाए। जो लोग ड्रीम 11 खेल रहे हो वो लोग भी ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी सारे फैंटेसी लीग खेलते हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। डर्बन की बात करते हैं, यहाँ पे मॉन्नी फेंग है, हेनरी क्लाजिन है, आमला है, खया जॉन डू है, डेविड मिलर है। यही कुछ बैट्समैन है जो आपको बहुत ही अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं और जिता सकते हैं। हालांकि दोनों टीमों की जो है पोजीशन बहुत ही ख़राब है, तीन में से एक एक करके दोनों ही मैच जीता है और दोनों मैच हार चुके हैं। फिलेंडर खेलेंगे, केशव महाराज खेलेंगे, एल्बे काइल अबर्ट खेलेंगे, मर्चेंट डिलैंग खेलेंगे। तो बॉलिंग बहुत ही अच्छा, फास्ट बॉलिंग मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पिन भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एल्बी मॉडकल के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि प्रीवियस मैच में वो इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए खेलते खेलते वो रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे, तो इस मैच के फिटनेस टेस्ट देने के बाद ही वो खेलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रॉक्स की टीम के बारे में। तो यहाँ पे जो है मोसीला है, मकराम खेलेंगे, ठीक है, हेनरी डेविस है, मिशेल क्लिंगर है, फैफ डुप्लेसिस खेलेंगे, वैन खेलेंगे, यहाँ पे डेविड वाइसी, डेन पीटरसन, यहाँ पे तस फो खेलेंगे, फॉर्चून खेलेंगे, यहाँ पे समसी खेलेंगे। ठीक है, ये कुछ प्लेइंग 11 होने वाली है दोनों टीम के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फैन फाइट की टीम के बारे में, कि फैन फाइट पर आप कैसे टीम बना सकते हो। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक जो है ज्वाइन नहीं किया है फैन फाइट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो विकेट कीपर पर आपके पास दो ऑप्शन है, मॉर्नी फेंग है और यहाँ पे मोसीला है, दोनों ही खेलेंगे। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मॉर्नी फेंग आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होंगे। बैट्समैन में मैंने यहाँ पे आमला, फैफ डुप्लेसिस, जोंडू, हेनरी डेविस को आप ज़रूर लीजिएगा और यहाँ पे मैकराम को मैंने लिया है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन ऑप्शन रहते हैं, आपके पास ऑप्शन रहते हैं डेविड मिलर, मिशेल क्लिंगर, ठीक है, उसके बाद आपके पास यही दोनों अवेलेबल ऑप्शन रहते हैं। ऑलराउंडर की बात करें, मैंने सिर्फ एक ही ऑलराउंडर को लिया है, जो कि वरुण फ्लैंडर को मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे एल्बी मॉडकल को अपने रिस्क पे ले सकते हैं, हालांकि मुझे ज़्यादातर लगता है वो खेलेंगे। तो आपको न्यूज़ अगर कन्फर्म पता चल जाए तो यहाँ पर ड्वेन ब्रावो को बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन वो नहीं खेलेंगे। ठीक है, अराउंड 40% लोगों ने लिया है, तो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो उनको शायद ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपने अगर टीम से लिया है तो रिमूव कर दीजिए, क्योंकि खेलने वाला ही नहीं है। तो बॉलर की बात कर लेते हैं, बॉलर पे यहाँ पे मैंने जो है काइल अबर्ट को लिया है, डेन पीटरसन को लिया है, समसी को लिया है और मर्चेंट डिलैंग को लिया है। आप चाहें तो इसके अलावा जो है केशव महाराज को ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। ठीक है, यही कुछ ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आप यहाँ पे मेरे देख सकते हो,
तो कैप्टन मैंने यहाँ पे हेनरी डिविस को लिया है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने किसे कैप्टन लिया है। और वाइस कैप्टन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फैफ डु प्लेसिस को लिया हुआ है। तो आप ज़रूर मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और जो लोग ने ड्वेन ब्रावो को लिया है, आपके दोस्त ही ने लिया होगा, तो वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, उन लोगों को भी पता चले कि वो नहीं खेल रहे हैं। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।